हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग आपकी यूनिट नंबर 88 को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 88 में हमने ऑल, मोस्ट एंड नो, नन एटसेट्रा, दीज वर्ड्स, इनके डिफरेंस को हमने डिस्कस करना है और इनको हम किन किन अलग अलग फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आप सबकी बुक्स आपके पास होंगी। आई एम बिगनिंग विद पॉइंट ए। All, some, any, most, much, many, little, few, no, etc. ये सब वर्ड्स आपको बॉक्स में दिए गए हैं। You can use the words in the box with a noun. इन सभी वर्ड्स के साथ आप बाद में नाउन लगा सकते हैं। इन सभी के बाद नाउन का इस्तेमाल हो सकता है। For example, all cars have wheels. तो यहाँ पर cars जो है वो नाउन है। Some cars can go faster than others. Again, some के साथ हमने cars का यूज किया है जो नाउन है। You cannot say all of cars, some of people, etc. हालांकि इसको हम आने वाले सेक्शन बी में भी इसको डिस्कस करेंगे, बट जो पॉइंट यहां पर हमें समझना है वो ये कि all cars आएगा, all of cars नहीं आएगा। Some people आएगा, some of people नहीं आएगा। For example, some people learn languages more easily than others. Again, यहां पर हमने some people लगाया, some of नहीं लगाया। Note that we say most, not the most. Most tourists don't visit this part of the town. देख, यहाँ पर हमने सेंटेंस की जो बिगनिंग कर रहे हैं मोस्ट से कर रहे हैं, और जब भी सेंटेंस की शुरुआत में मोस्ट लगेगा तो हम उसके साथ द नहीं लगाएंगे। द मोस्ट नहीं होगा, मोस्ट होगा। पार्ट बी, ऑल, सम, एनी, मोस्ट, मच, मैनी, लिटिल, फ्यू, हाफ, नन, एटसेट्रा। यू कैन यूज दीज वर्ड्स विद ऑफ। ये सभी वर्ड्स तकरीबन वही हैं जो अभी हमने पार्ट ए में डिस्कस किए हैं। इन्हीं सब वर्ड्स के साथ आप ऑफ का यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द, मोस्ट ऑफ दिस, नन ऑफ दोज। सो यू कैन से सम ऑफ द पीपल, सम ऑफ दोज पीपल। अभी पार्ट ए में हमने कहा सम ऑफ पीपल नहीं आएगा, और यहां पार्ट बी में हम बात कर रहे हैं सम के साथ ऑफ की। अगर आप ध्यान दें अपनी बुक्स में, पार्ट ए में सम पीपल है, पीपल से पहले द नहीं लगा है, आर्टिकल नहीं लगा है। अगर आर्टिकल नहीं लगा है पीपल से पहले तो हम ऑफ नहीं लगा, तो हम ऑफ नहीं लगाएंगे। अगर द लगा है तब हम सम ऑफ द पीपल आएगा। तो यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफ द पीपल आई वर्क विद आर नॉट वेरी फ्रेंडली। यू डोंट नीड ऑफ आफ्टर ऑल और हाफ। सो यू कैन से All my friends have this money. Most of the time हम जब half या all का use करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उनके साथ आप हर बार off का इस्तेमाल करें। All और half without off भी use हो सकते हैं। For example, all my friends have this money. देखिए, मैंने कहा दोनों off के बगैर use हो सकते हैं, लेकिन rule के हिसाब से grammatically अगर आप इनके साथ off लगा भी देंगे तो भी grammatically देयर करें। तो all and half, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप ऐसे याद रखिए कि इन दोनों को आप ऑफ के साथ भी यूज कर सकते हैं एंड विदाउट ऑफ भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें, ऑल माय फ्रेंड्स लिव इन लॉस एंजलिस, आप इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। सो ऑप्शनल है, हाफ के साथ भी ऐसा ही है। कंपेरिजन देखिए, ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटिफुल, ऑल ऑफ द फ्लावर्स इन दिस गार्डन आर ब्यूटिफुल। डिफरेंस क्या है ऑल के साथ ऑफ लगाएं या ऑफ ना लगाएं? अगर आप ऑल के साथ ऑफ नहीं लगा रहे हैं, ऑल फ्लावर्स, इट मींस यू आर टॉकिंग इन जनरल सेंस। आप किसी पर्टिकुलर सेंस में, स्पेसिफिक सेंस में बात नहीं करके जनरली बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑल ऑफ द फ्लावर्स कहते हैं, इट मींस आप किन्हीं पर्टिकुलर फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, आप जनरल सेंस में बात नहीं कर रहे। पार्ट सी, You can use all of, some of, none of, etc. with, it, us, you, them. इन तीनों का इस्तेमाल, all of, some of, none of का यूज आप प्रोनाउंस के साथ कर सकते हैं। इनके बाद आप प्रोनाउंस भी लगा सकते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि इनके साथ हम नाउंस लगा सकते हैं बाद में। इन प्लेस ऑफ नाउंस यू कैन ऑल्सो यूज प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ दीज पीपल डू यू नो? नन ऑफ देम। अगेन हमने यहां देम लगाया जो प्रोनाउन है। Do any of you, you लगाया pronoun है। We say all of us, all of you, half of it, half of them. You need of before it, us, you, them.
अभी हमने एक रूल पढ़ा, ऑल और हाफ के साथ आप ऑफ लगा भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए अगर आप ऑल या हाफ के बाद प्रोनाउंस लगा रहे हैं तो आपको ऑफ लगाना ही पड़ेगा, फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। ये चीज ध्यान से समझने वाली है। यहां पर ऑल और हाफ इन जनरल सेंस अगर हम यूज करते हैं, ऑफ लगाइए या छोड़िए हार्डली मैटर्स, बट इन केस यू आर यूजिंग प्रोनाउंस आफ्टर ऑल एंड हाफ, देन यू हैव टू यूज ऑफ फॉर कंपल्सरी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अस वर लेट। अब ऑल अस नहीं आएगा यहां पर। आई हैव फिनिश्ड द बुक येट, आई हैव ओनली रेड हाफ ऑफ इट आएगा, क्योंकि इट लग गया, प्रोनाउन लग गया, हाफ इट नहीं आएगा, ऑफ लगाना ही पड़ेगा। पार्ट डी, यू कैन ऑल्सो यूज सम, मोस्ट एटसेट्रा अलोन विदाउट अ नाउन। सम, मोस्ट के बाद अगर आप कोई नाउन ना लगाएं या प्रोनाउन ना लगाएं तो भी पॉसिबल है ये स्ट्रक्चर। कैसे? सम कार्स हैव फोर डोर्स एंड सम हैव टू। अब यहां पर हमने सम के बाद ना कोई नाउन लगाया, हमने सीधी वर्ब लगाई है। अ फ्यू ऑफ द शॉप्स वर ओपन बट मोस्ट वर क्लोज्ड। आप अब चाहें तो इसके बाद मोस्ट ऑफ देम लगा सकते हैं, प्रोनाउन लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको अकेला भी यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, बट फिर भी मैं चाहूंगी कि आप इसको एक बार दो बार अपनी बुक्स में से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताइएगा ताकि मैं आपको ये दोबारा क्लियर कर सकूं। थैंक यू।